मुझे वरदान साहब से कंसल्टेंसी लेनी है। सर 2100 रुपये जमा करा दीजिए। सर नाम बोलिए। अनमोल। जाइए मिल लीजिए। थैंक यू। माय कम इन सर। कम इन। नमस्ते अनमोल। बैठिए बैठिए। आपका बड़ा नाम सुना था सर। अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपसे कंसल्ट कर लिया जाए तो सफलता पक्की है। बिल्कुल ठीक सुना आपने मिस्टर अनमोल। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं दिल की नहीं दिमाग की बात करता हूं। वैसे क्या शुरू करना चाहते हैं आप? सर मैं टीचर हूं और एक स्कूल शुरू करना चाहता हूं। स्कूल? बेस्ट बिजनेस। बिजनेस? पर ये तो सर्विस है ना सर। कहा ना मैंने, मैं दिल से नहीं दिमाग से बात करता हूं। स्कूल से बड़ा बिजनेस आज के युग में दूसरा है ही नहीं। देखिए स्कूल खोलिए, CBSE बोर्ड और उससे भी अच्छा ICSE, और उसमें खिलाइए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, जूडो, कराटे, स्विमिंग। कहने का मतलब सारे गेम खिलाइए जी। कभी क्राफ्ट एग्जीबिशन लगा दो, कभी स्कूल में मेला लगा दो, कभी एनुअल फंक्शन करा दो, कभी मस्त वाली फेयरवेल पार्टी करा दो। और हाँ सब कुछ सेलिब्रेट करिए, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, वैलेंटाइन डे, हॉलोवीन डे। कहने का मतलब सारा एंजॉय करिए। और हाँ जयंतियां मत भूल जाना भाई, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती। फिर सर पढ़ाई? पढ़ाई करवा मत देना, बच्चे भाग जाएंगे स्कूल छोड़कर। और हाँ इतनी सारी चीजें जब करवाओगे तो बच्चे थक जाएंगे, तो साल में 3-4 पिकनिक जरूर करवा देना भैया। पर सर बच्चा पढ़ाई कब करेगा? अरे पढ़ाई के लिए कोचिंग है ना, पढ़ाई कोचिंग में। कोई पेरेंट्स बोलेगा नहीं क्या? पढ़ाई तो करवाइए। ये है मिस्टर सिद्धार्थ, दिल्ली में बहुत बड़ा स्कूल रन कर रहे हैं। 4 साल पहले मेरे से मिले थे और कह रहे थे वरदान जी स्कूल नहीं चल रहा, आज दौड़ रहा है। और अब तो सिद्धार्थ जी मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं स्कूल लाइन में। सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। अरे भाई पेरेंट्स को आजकल कहाँ टाइम है, वो तो सिर्फ बच्चे की रिपोर्ट चेक करते हैं। बच्चों के अगर नंबर कम आते हैं तो नंबर बढ़ाने भी तो स्कूल वालों के हाथ में होता है। फिर बोर्ड क्लासेस में तो बच्चों की औकात पता चली जाएगी ना सर। देखिए कुछ बच्चे तो वाकई पढ़ने में होशियार होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, वो अपना स्टडी पर फोकस रखते ही हैं। और बाकी बच्चों पर गवर्नमेंट मेहरबान है ही ना। अब देखिए 5th और 8th के बोर्ड में नॉर्मल बच्चे पास हो जाते हैं क्योंकि ग्रेड मिलती है। 10th और 12th में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं क्योंकि 20% मार्क्स तो स्कूल ही भेजता है ना। और आजकल तो कॉपी भी बहुत इजी चेक होती है, नॉर्मली बच्चे पास हो ही जाते हैं। और अगर फेल हो गए तो ओपन बोर्ड है ना, चाहे कुछ भी हो बच्चे को खुश रखिएगा। अगर बच्चा खुश रहेगा तो पेरेंट्स शिकायत लेकर आएगा ही नहीं ना। ऐसे तो आगे चलकर बच्चे का करियर खराब हो जाएगा ना सर। सही कहा, न बच्चा पढ़ाई का न ही इन गेम्स एक्टिविटीज का। अरे भाई गेम्स और एक्टिविटी में आगे बढ़ना है तो स्कूल के भरोसे थोड़ी रहेगा। अरे भाई उसके लिए तो उसे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना ही होगा ना। और रहा सवाल उसके कैरियर बनने का, तो कैरियर बनाने के लिए हम स्कूल वाले जिम्मेदार हैं या नहीं है?
किसको पता चलेगा, मस्त रहो आप तो यार। छोटे बच्चे के साथ तो हम ये सब कर सकते हैं, पर बड़े बच्चे को ये सब समझ में नहीं आता क्या कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है? देखो भाई, दो चार बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको ज्यादा पढ़ाई करवाई, ज्यादा डिसिप्लिन में रखा, उनके मन मुताबिक नहीं किया ना, तो बच्चा दुखी, और बच्चा दुखी तो पेरेंट्स दुखी, और पेरेंट्स दुखी तो स्कूल चेंज, और बच्चा स्कूल से निकला तो आपकी जेब से पॉकेट मनी भाई निकला। अरे जब बच्चा खुश रहना चाहता है तो किसी के बाप का क्या जाता है। थैंक्स सर, आपने एक बच्चे का भविष्य बचा लिया। एक बच्चे का? कौन से बच्चे का? मेरे बच्चे का। ना मैं कोई टीचर हूं और ना ही मुझे कोई स्कूल खोलना है, बस मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन कराना था, और इससे बढ़िया तरीका मुझे समझ में नहीं आया सर। मुझे पता चल चुका है कैसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है।